फूट फूट कर रो रही ये पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और छतरपुर से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुकी अर्चना गुड्डू सिंह है। बताया गया कि इस बार भी वो छतरपुर से टिकट मांग रही थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया, जिसके बाद वो लोगों से बात करते हुए भावुक हो गई और मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगी। बता देंगे पूरा वाक्या मध्य प्रदेश के छतरपुर के रामचरितमानस गल्ला मंडी से जटाशंकर धाम के लिए कांवड़ यात्रा निकाले जाने के दौरान हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। इस कांवड़ यात्रा के दौरान रामचरितमानस गल्ला मंडी में बैठी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वहां मौजूद लोगों ने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया तो उन्होंने बताया, मेरे दिल में बहुत कुछ है आप लोगों से कहने के लिए। लोगों के आग्रह के बाद माइक पर आकर वो बोली, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं और मेरा परिवार आपके साथ हमेशा खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी, चाहे व्यापारी भाइयों से भाइयों को परेशान करने की बात हो, मैंने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया। मेरी बहनें, यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर भी कहते थे कि मेरी बहन जनप्रतिनिधि है, तो मेरा सीना गर्व से खुशी से फूल जाया करता था। मैं यही कहना चाहूंगी आज इस मौके पर कि आज हम अपने भोले बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं। कहा जाता है भोले बाबा के लिए दुख पर, दारिद्र पर, कंटक पर वो हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, और आज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। इसको बस आपका साथ चाहिए और ढेर सारा आशीर्वाद आपका मेरे साथ रहे हमेशा। मैं और मेरा परिवार आपके साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। यही कहते हुए मैं बोलना बहुत कुछ चाहती थी आपसे, बात बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरे शब्द रुंध रहे हैं। आप सब मेरा साथ देंगे, आप सब मेरे साथ खड़े हैं, बस मुझे आपका यही साथ चाहिए। बता दें मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से 39 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। छतरपुर सीट से बीजेपी ने ललिता यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट के लिए अर्चना सिंह को भी दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्चना सिंह ने बीजेपी के सामने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन नेतृत्व ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया और टिकट काट दिया। अब अंदर खाने से खबरें हैं कि अर्चना सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं।